हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। हम मौजूद हैं हमारे राष्ट्र के राजधानी यानी दिल्ली में इंडिया गेट के सामने। आपको हम दिखा पा रहे हैं किस प्रकार से इंडिया गेट पर लोग कितने भीड़ में, कितनी ज़्यादा तादाद में देखने आते हैं, घूमने आते हैं, और हो भी क्यों ना, देश के गौरव की बात है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कि बाहर से आए हुए, इनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय राज है। संजय, कहाँ से हैं आप? मोरी से। मोरी से, हाँ। तो आप लोग यहाँ पर कितनी दिनों में आए, मतलब कितनी बार? मतलब मैं तो 3-4 बार आ चुका हूँ। मेरा बहन का घर है यहाँ पर। अच्छा, आता रहता हूँ मैं तो। मतलब 2 बार आया हूँ इंडिया गेट, लेकिन दिल्ली में मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। लोकल बंदा है दिल्ली का। क्या लोकल बंदा है? मेरा नाम अमित चौहान है। अमित चौहान, तो इंडिया गेट कब कब आते हो? इंडिया गेट जैसे कि कोई मतलब कज़न वगैरह आते हैं तो उनको मतलब दिखाने के लिए आना पड़ता है ना। ओके, तो आप टूर गाइड बन जाते हो? टूर गाइड नहीं बन जाते, मतलब बताने के लिए आप बताते हैं। जी का भाई है, पूरी दिल्ली घुमाते हो? हाँ, पूरी दिल्ली मतलब घुमानी पड़ती है ना, फिर कज़न आते हैं तो घर। आज के दिन काफ़ी भीड़ है, क्या खास बात है? मतलब आज के दिन ये तो नहीं पता, बट डेली होती है। अच्छा, डेली यहाँ पर डेली होती है। और नाइट में मतलब और ज़्यादा मतलब क्राउड रहता है। अच्छा, क्राउड ज़्यादा हो जाता है? क्राउड ज़्यादा नाइट में। ओके, नाइट में ज़्यादा क्राउड हो जाता है। थैंक यू आप सभी का, है ना। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा भीड़ में और कितने ज़्यादा लोग दूर दूर से, ना कि सिर्फ इंडिया से, अदर कंट्रीज से भी लोग हमारे इंडिया गेट को देखने के लिए आते हैं। ऐसे फोटोग्राफर से जो यहाँ पर कई दिनों से काम कर रहे हैं, नाम क्या है आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी, कितने दिनों से यहाँ पर आप? 1 साल हो गया सर यहाँ पर पढ़े आ रहा हूँ रोज़, और फ़ोटो वगैरह यहाँ पर सबकी पिक करता हूँ। लोग आते हैं घूमने यहाँ पे, शहीदों के नाम है सब पढ़ते हैं, अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं यहाँ से, यहाँ पर और सब आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे काम करते करते अभी फिलहाल फिल्म पे काम, जॉब कर रहा हूँ। ऐसे जॉब कर रहे हो? पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं? सिर्फ पढ़ाई तो छूट गई है, थोड़ा दिक्कत वगैरह आ रही थी, इस वजह से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स निकालते हो आप जी, तो ऐसी कौन सी खास बात आपको यहाँ पर लगती है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर कहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं? सर फिलहाल तो मैंने देखा है काफ़ी जगह यहाँ पे दिल्ली में, काफ़ी घूमने की जगह है। सबसे बेस्ट जगह तो इंडिया गेट है सर, यहीं पे फ़ोटो खींचते हैं सब, यहीं पे आते हैं क्योंकि एक तो ये खूबसूरती से अपनी वो एटीट्यूड दिखाता है, और दूसरा अमर जवान है यहाँ पे, मतलब सबके नाम लिखे हैं शहीदों के, इस वजह से सब टूरिस्ट बाहर के भी आते हैं इधर, लोकल भी आते हैं इंडिया गेट देखने, दिल्ली के भी बाहर टूरिस्ट सब आते हैं, सब यहाँ पे आके फ़ोटो खिंचवाते हैं। हम फोटोग्राफर हैं यहाँ पे, फोटो खींचते हैं। थैंक यू। वेलकम। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं जो कि बाहर से आए हैं। जी, नाम क्या आपका? विजयपाल। विजयपाल जी कहाँ से हैं? असम से। असम से आए, कब आए? आज ही आया। आज ही आए? पहली बार आना हो रहा है इंडिया गेट? नहीं, बहुत बड़ा है। इससे पहले भी आप? बहुत बड़ा। आप अकेले आए हो, कई लोग आए? हम 4 लोग। अच्छा, 4 लोग आप सब। ओके, सारे आपके फ्रेंड्स हैं? फ्रेंड्स हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छा है। ओके, नाम क्या है आपका? किरणमय दत्ता। किरणमय दत्ता, आप भी असम से हो? असम से। ओके, आप इंडिया गेट पे खड़े हो? सिलचर से। इंडिया गेट पे अपन खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे देश को, अभी आप क्या कहना चाहोगे, देश के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? देश के लिए तो संदेश यही है, देश तो आगे बढ़ना चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए। आपसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप देश के लिए? देश आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, देश आगे बढ़ रहा है। 4 साल जिस सरकार का था उसी सरकार को हम चाहते हैं, दोबारा आया है मोदी सरकार। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम बने हुए थे इंडिया गेट में। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी फैमिली लोग वेकेशन पर हैं, लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं और एंजॉय भी कर पा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया गेट में हैं, और ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है इंडिया गेट का अमर जवान शहीद, जहाँ पर जवानों के नाम पर ये इंडिया गेट को बनाया गया था। और देखा जाए तो ये कहा जाए तो एक बहुत बड़ा स्थल है जहाँ पर लोग कंटिन्यू यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, जैसा कि मैं आपको बता पा रहा हूँ। खैर, अभी तक के लिए बस इतना ही। जयंत बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट की ओर से जयंत। और हाँ, इस तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही बताना चाहेंगे 2019 की राजनीति से जुड़ी हुई तत्काल की न्यूज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट आपको समय पे मिलता रहे।